पूरा हिंदुस्तान निर्भया केस के आरोपियों के लिए फांसी की सजा मांग रहा है। खबरों की माने तो पहले 18 दिसंबर को दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब पटियाला कोर्ट ने निर्भया केस मामले की सुनवाई टालने पर अब फिर से फांसी व 17 दिसंबर को सुनवाई होने पर लोगों में गहरा रोष है। हमीरपुर में एस स्टूडेंट चैनल ने निर्भया केस को लेकर लोगों की राय जानी गयी। सुभाष वर्मा ने कहा कि निर्भया गैंग रेप मामले को 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जल्द दोषियों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की कुकृत्य दोबारा ना हो सके। वही युक्ति अनु ने कहा कि निर्भया मामले में आज तक डील बरती गई है और इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेकर फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस केस में देरी होने से इस तरह के दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। दीक्षा वर्मा का कहना है कि निर्भया केस के दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहरी देशों में ऐसे काम पर फांसी की सजा होती है, इसलिए भारत में भी फांसी का प्रावधान होना चाहिए, ताकि लड़कियों की सुरक्षा हो सके। युवक दीपक का कहना है कि निर्भया केस में लॉयर और सुप्रीम कोर्ट में दिए जाने के बाद जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस केस में शामिल सभी आरोपियों को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए, ताकि रेप केस कम हो सके। मुन्ना और अनुराग का कहना है कि निर्भया केस में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर कानून का मजाक बन रहा है। उन्होंने दुख जताया है कि निर्भया केस में बहुत पहले ही दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी। हमीरपुर जिला के थाना क्षेत्र नादौन के तहत दनेटा क्षेत्र की एक युवती ने युवक पर बलात्कार तथा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। मामले में नादौन पुलिस ने धारा 376, 504, 506 एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी युवक को पकड़कर गहनता से छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अपनी माता के साथ नादौन थाना पहुंची युवती ने दी शिकायत में कहा है कि ये मामला कुछ समय पूर्व का है, परंतु युवक काफी दिनों से वीडियो को नेट पर डालने को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। लड़की ने बताया कि हद तो तब हो गई जब मेरे परिजनों को भी परेशान करना आरंभ कर दिया। आपको बता दें कि युवती क्षेत्र के ही एक शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान वे अपनी एक सहेली के साथ उसके घर गई थी, जहां सहेली के भाई के माध्यम से बड़ा क्षेत्र के एक युवक के साथ जान पहचान हो गई। उसके बाद दोनों में बातचीत भी होती रही। एक दिन आरोपी युवक ने मंदिर में माथा टेकने के लिए दबाव बनाया। हामी भरने पर जब लड़की घर से मंदिर के लिए निकली तो रास्ते से ही वे जबरदस्ती एक शहर के होटल में ले गया, जहाँ आरोपी ने दुष्कर्म किया। इसी दौरान आरोपी ने उसका एक वीडियो भी बना लिया, जिसे लेकर वह बार बार उसे ब्लैकमेल करता रहा। डर के मारे उसने ये बात अपने परिजनों को नहीं बताई, परंतु अब वह धमकियां देने पर उतारू हो चुका है तथा उसके परिजनों को भी ब्लैकमेल करने की धमकियां दे रहा है। डीएसपी हमीरपुर हितेश लखनपाल ने बताया कि नादौन में एक युवती की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है और मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है और लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है। मामले में नादौन पुलिस ने धारा 376, 504 एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी लड़के को पकड़कर पूछताछ की जा रही है।